सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एंड्रॉइड नोवट काफी फेमस है और काफी डिवाइसेज में अवेलेबल है, और इसकी मेन फीचर जो है स्प्लिट स्क्रीन, एक स्क्रीन पे दो एप्स एक साथ चलाना, वो काफी फेमस है। पर इस फीचर से अभी एमआई फोन यूज करने वाले इस फीचर से अभी काफी दूर थे और उनके पास ये फीचर अवेलेबल नहीं था। पर MIUI 8 जो यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप स्प्लिट स्क्रीन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं बिना किसी रूटिंग के या बिना अपने फोन में कोई एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर या कुछ डाले। सो लेट्स चेक इट आउट। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये स्प्लिट स्क्रीन की फंक्शनैलिटी केवल MIUI वर्जन 8.5.1 के बाद वाले डिवाइसेस में अवेलेबल होगी, क्योंकि ये थोड़ी टेस्टिंग रूम हो जाती है MIUI 9 के लिए। MIUI 9 अभी एक दो महीने में सारे डिवाइसेस में रोल आउट हो जाएगा, तब इनबिल्ड आपको स्प्लिट स्क्रीन वाली फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। पर अगर आपको अभी चाहिए तो इस वीडियो को आगे देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको एक एक स्टेप का पता चले। तो चलते हैं हमें कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं MI Max यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर इस ऐप को सर्च करनी है बटन मैपर। बटन मैपर सर्च करके इससे हम कोई भी बटन को अपने हिसाब से रिमैप कर सकते हो। अब ये हालांकि है तो बेसिक ऐप, पर इसे स्प्लिट स्क्रीन कैसे होगी जल्द ही देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें होम पे जाना है और हमें सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा बटन मैपर का ऑटो स्टार्ट करने का। तो ये ऐप जैसी फोन होगा ऑटोमेटिक ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगी, और आप एक बार चेक कर ले, जैसे कि आप देख सकते हो ऑटो स्टार्ट ही ऐप हो रखी है। अब हमें होम पे जाना है और उस ऐप को दोबारा ओपन करना है। होम पे गए तो हमने उस ऐप को ओपन किया, जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ इंटरफेस स्टार्टिंग ऐप का इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी ऑन करना है। यहाँ पर ओके करेंगे ये हमें अपने आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे ले जाएगा और वो ऑन हो जाएगी। वो ऑन होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो अब हम ऐप को फुल्ली यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम के बिना। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें रिसेंट बटन और बैक बटन को यूज करने के लिए प्रो वर्जन चाहिए। उसके लिए पैसे खर्च करने प्ले स्टोर पे, या फिर आप गूगल पे लिख के आप APK वैसे डाउनलोड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, प्ले स्टोर पे जाकर ही करें। तो हम यहाँ से होम बटन रिमैप करेंगे और होम बटन पे डबल प्रेस को रिमैप करके स्प्लिट स्क्रीन कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग होम बटन को डबल टैप करने पे स्प्लिट स्क्रीन हो गई है। अब स्प्लिट स्क्रीन तभी होगी जब इसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी, उसके बिना नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं होम बटन को डबल टैप किया तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी ऑन हो गई है। अब अगर जिस फोन में स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी नहीं है उसमें डबल होम पे टैप करने पे स्प्लिट स्क्रीन नहीं आएगा, केवल जिसमें एक्सेसिबल है, जिसमें ये फंक्शन फीचर अवेलेबल है उन्हीं डिवाइसेज में होगा। तो इसलिए मैंने कहा MIUI वर्जन 8.5.1 से ऊपर वाले डिवाइसेज में ये होगा। तो ये फीचर काफी अच्छा है, जिनको वीडियोस देखते रहते हैं, एक दो एप्स में इंटरचेंज करना होता है, उनके लिए काफी अच्छा है। और जैसे कि आप जानते हैं मैं MI Max यूज कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और इस डिवाइस के लिए काफी अच्छा फीचर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें स्क्रीन स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है, वर्क स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं इस फीचर के अंदर ऑटो रोटेट मोड भी अवेलेबल है, हर तरह के फीचर्स अवेलेबल है जो हमें एंड्रॉइड नोवट में मिलते थे। तो इस फीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फीचर MIUI में अवेलेबल है। बस हमें क्या चाहिए, एक इनडायरेक्ट हमें मेथड चाहिए इसको ओके करने का, लाइक इसको किक स्टार्ट करने का एक हमें मेथड चाहिए, जो मैंने उस ऐप के थ्रू बता दिया। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।